परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9212515167 9784853787। गोत्र कर्म पर चल रही है उच्च गोत्र और नीच गोत्र। आप कौन से गोत्री हैं? उच्च गोत्री हैं। उच्च गोत्र में बैठ कर के नीच गोत्र का बंध हो सकता है कि नहीं, और नीच गोत्र में रह करके उच्च गोत्र का बंध हो सकता है कि नहीं? कैसे हो सकता है? कर्मों के द्वारा। हमारे जीवन में प्रतिदिन जो कार्य करते हैं, खाना पीना सोचना विचार करना, ये सारी चीजों में उच्च होना चाहिए। यदि उसमें नीच हो गया तो समझना नीच गोत्र का बंध हो गया, और विचार उच्च हो गए तो समझना उच्च गोत्र का बंध हो गया। लेकिन एक बात आपसे पूछ लूं, जब भी आपके ऊपर कोई कष्ट आता है, परेशानी आती है, तो लोग कहते हैं पता नहीं कौन से कर्म का उदय है। अरे बोलिए ना, कहते कि नहीं कहते हैं? कहते हैं। चलिए, जब सुख होता है तब कभी कहा कि अरे कौन से कर्म का उदय है? कभी याद आई कर्मों की? कर्मों की याद कब आती है? दुख में आती है ना, पता नहीं कौन से कर्मों का उदय चल रहा है। और सुख में कर्म तो छोड़ो, भगवान भी याद नहीं आते हैं। लेकिन सुख भी, सांसारिक सुख भी कर्म का फल है और दुख भी कर्म का फल है। यदि आपके घर में जितनी सुख सामग्री है तो वो भी कर्म का फल है, और जितनी दुख सामग्री है, दुख सामग्री का मतलब पता चला नहीं चला? अच्छा बताओ, पत्नी सुख सामग्री है कि दुख सामग्री है? अरे बोलो ना, दोनों है कि एक है? बच्चे सुख सामग्री है कि दुख सामग्री है? चलो आप थोड़े समझदार हैं, सुख और दुख का मतलब समझते। अच्छा, तुम्हारे घर में जो फ्रीज है वो सुख सामग्री है कि दुख सामग्री है? अरे बोलो ना, भोग तो है लेकिन उससे सुख मिलता है कि दुख मिलता है? किस किस को सुख मिलता है? हाथ उठाओ फ्रीज से। अब मौसम बदल रहा है, फ्रीज का ठंडा पानी पी लो, पता चल जाएगा सुख सामग्री है कि दुख सामग्री है। ठीक है? अच्छा, तुम्हारे घर में एसी है, कूलर है, पंखा है? चलो दूर में पंखा की बात कर लेते, पंखा सुख सामग्री है कि दुख सामग्री है? अभी मौसम बदल रहा है, रात को चला के सो जाओ, सुबह नाक पहुंचोगे उठ के, दवाई खाओगे, यानी कोई भी चीज ना तो सुख है ना दुख है, हमारे उपयोग पर निर्भर है, हमारे कर्मों पर निर्भर है। जैसा कर्म होता है वैसा हमारा दिमाग दौड़ता है, वैसा हम काम करने लगते हैं, और दुख अपने हाथ से हम खुद ही दुख बुला लेते हैं। अच्छा, दुख तुम लोगों के पास में है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, है। अच्छा, तो वो दुख किसी ने दिया है या तुम्हारा खुद का कमाया हुआ है? अरे बड़े समझदार है। ओहो, और अभी घर में कोई बात हो जाए तो अपने ऊपर लोगे? अभी तो बड़े प्यार से ले रहे, नहीं हमारी गलती है। अभी सामने वाला कह रहे तूने ऐसा नहीं किया, अरे वो इसलिए नहीं किया, अरे वो इसलिए नहीं किया, वो ऐसा था ना इसलिए, 100 बहाने बताओगे मगर अपनी गलती नहीं मानोगे। हैं? तो सुख भी कर्म का फल है, दुख भी कर्म का फल है। सामग्री अपने आप में ना सुख है ना दुख है, हमारे कर्म फल पर निर्भर है।
हम अपनी गलती यहाँ बैठकर तो मान रहे कि हमारे कर्म का उदय है। यदि घर में जुकाम हो जाए तो सामने वाले पे तूने ये खिला दिया, ऐसा नहीं देता ना खाने को तो हमें जुकाम नहीं होता, तूने ऐसा कर दिया ऐसा नहीं होता ना तो ऐसा होता। जैसे माँ होती ना बेटे से किसी तरह इसके दिमाग में डाल दूं, ये समझ नहीं रहा अभी कि क्या चीज क्या बताने वाली हूँ, वो सुनने तैयार नहीं है और माँ कहती है मैं तो सुना के रहूंगी। तो कर्म की बात बतानी है आज मुझे कि कर्म क्या है, कैसे आता है, कैसे जाता है, कैसे बंद होता है, कैसे उदय होता है, कैसे सत्व में रहता है, कर्म की कितनी स्थितियां हैं। आप लोगों ने अभी कर्म शब्द तो सुना है मगर कर्म शब्द की भी पूरी व्याख्या नहीं सुनी है। कर्म की पहली स्थिति तो आपको पता है, भाई ऐसा मत करो कर्म बंद हो जाएगा, एक स्थिति। अब क्या करें, कर्मों का उदय चल रहा है, दूसरी स्थिति। दो स्थिति तो पता है ना। तीसरी स्थिति, कर्म बंधता है, बंधने के बाद में सत्ता में चला जाता है। आपने नोट कमाए, कमा के आपने रख दिए, कमाना हो गया आना बंद, आश्रय के बाद जो बंद होता है वो, और उसके बाद रख दिया तो पड़े हैं, जा रहे हैं तो उदय हो रहा है। जिस जिस नोट का नंबर आता जाएगा वो जाता जाएगा। तीन स्थिति समझ गए, कर्मों का बंद। बंद कैसे होता है, दो तरह का आश्रव होता है, एरियापद आश्रव और सांप्रायिक आश्रव। अरिहंत भगवान के भी कर्म आ रहे हैं 13वें स्थान, और यहां जितने जीव बैठे हैं उनके भी कर्म आ रहे हैं। दोनों के आने में और दोनों के रुकने ठहरने में कहां अंतर है? उनका एरियापद आश्रव यानी आते हैं और वहां कषाय नहीं है, ना क्रोध है, ना मान है, ना माया है, ना लोभ है, ना वहां पर हास्य रति अरति शोक भय चुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, वहां पर ये कुछ भी नहीं है। तो वहां बंद नहीं हो रहा है। बंद का कारण क्या है? मोह। कर्म के बंद का कारण क्या है? अरे बोलिए ना, मोह है। अब कर्म कितना बंध रहा है? जितना मोह है। तीव्र है तो तीव्र बंधेगा, ज्यादा बंधेगा। कम है तो कम बंधेगा। एक तुम अपनी देवरानी पर गुस्सा करते हो और एक तुम अपने बच्चे पर गुस्सा करते हो। क्रोध में आवाज भी वही है, शब्द भी वही है, बंध में अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? देवरानी पर कितना गुस्सा आएगा और अपने छोटे से 2 साल के बच्चे पर कम आएगा? आएगा ना, तो बस वही अंतर पड़ जाएगा बंध में। तो कर्मों का बंध होता है मोह से, राग से, द्वेष से कर्मों का बंध होता है। उदय जिस जिसका समय, जैसे तुम एफडी करते हो ना अपने, और सबका समय आता है भाई 5 FD है, अब उसकी तारीख उस दिन पूरी हो रही है, उसकी तारीख उस दिन पूरी हो रही है, उसकी तारीख उस दिन पूरी हो रही है, आप इंतजार करते हो ना, लिख के रखते हो, ये तो आपके यहाँ की बहुत मोटी बात है। ऐसे ही जब कर्म बंधता है तो बंधना के समय ये हो जाता है कि कितनी स्थिति के लिए बंधा है, कितने दिन के लिए बंधा है, कितने साल के लिए बंधा है, कितने भावों के लिए बंधा है। 1,000, 2,000, 10,000 मोह की स्थिति आपको मालूम है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर बन सकता है मिथ्यात्व का दर्शन मोहिनी का, 70 कोड़ा कोड़ी सागर, और चारित्र मोहिनी का 40 कोड़ा कोड़ी सागर। ये उत्कृष्ट स्थिति है। तो बंद इतना और कम से कम कितना अंतर मुहूर्त? अभी अभी किया है बंद, अभी 2 मिनट बाद 5 मिनट बाद उदय में ले लो। जो कर्म है जितने कम भावों के साथ में बांधा जाएगा वो यहीं के यहीं निपटता चला जाएगा, और जितना तीव्र बांधो भावों के साथ में बांधा जाएगा उतना लंबे समय तक भोगना पड़ेगा। आगे समझ में? उदय बंद उदय, तो उदय कितना आएगा? जितना बांधा है उतना उदय में आएगा, जिन भावों से जैसे बांधा था। और फिर जैसे कि आपको मालूम है कि श्रीपाल ने मुनिराज को कोड़ी कहा था। क्या कहा था?
कोरी, कोरी कहा ही था ना, मुंह से कहा था। अब मुंह से कही हुई बात का फल कितना है? कोई तुम्हें कोड़ी कह दे, निकल गया, क्या इतना ही फल है इसका? अरे बोलिए ना, जो बंद किया है, पहली बात एक इंद्री की हिंसा में कितना बंद, दो में उससे ज्यादा, तीन में उससे ज्यादा, चार में उससे ज्यादा, पंचेंद्री की उससे ज्यादा, मन सहित पंचेंद्री का उससे ज्यादा, उससे ज्यादा मिथ्या दृष्टि मनुष्य का, उससे ज्यादा सम्यक दृष्टि मनुष्य का, उससे ज्यादा व्रति त्यागी व्रति के हिंसा का, उससे ज्यादा मुनि आरिका की हिंसा का पाप लगता। ये पाप की संख्या बढ़ती जा रही, जैसे जैसे इंद्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे कर्म दंड की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो श्रीपाल ने कोढ़ी किसको कहा था? किसी सामान्य व्यक्ति को नहीं कहा था, किसको कहा था? मुनिराज को कहा था। अब मुनिराज को कहा था तो मुनिराज को कहा हुआ कर्म है निधत्य निकाचित बन गया। अभी निधत्य निकाचित का आएगा प्रकरण, निधत्य निकाचित बन गया वो कर्म। और जब वो निधत्य निकाचित बन गया फल देकर ही जाएगा, ऐसा कर्म जब बन गया है तो कैसे राम राम से फूट के निकलेगा? यानी एक पाप आप किसी सामान्य व्यक्ति के साथ करते हैं और एक काम आप किसी धर्मात्मा के साथ करते हैं, दोनों में महान अंतर है। किसी धर्मात्मा को चोट देते समय जरा आप सोच लेना, क्योंकि इसको चोट मारने के बाद 100 गुनी चोट हमें लगेगी। किसी मिथ्या दृष्टि को आप कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, किसी सम्यक दृष्टि को करोगे उसका फल 10 गुना मिलेगा, पुण्य भी मिलेगा और पाप भी मिलेगा। सेवा करोगे तो पुण्य भी 10 गुना मिलेगा, ऐसा नहीं कि केवल पाप ही मिलेगा। तो श्रीपाल ने क्या कहा था? कोरी। फल क्या मिला था? कोर शरीर से निकला था। कितनी स्थिति के लिए बन गया? पिछले जन्म में कहा था और इस जन्म में उसका फल आ पाया। राजा के यहां पैदा हो गया, राजकुमार बन गया, राजा बन गया, राजगद्दी मिल गई, घर मैंने नहीं छोड़ा। अब ये राजा है तो इसे कर में उदय में ना आऊं, छोड़ा नहीं कर मैंने। क्या उदय में आया? उसके साथ उसके जो साथी थे, 500 थे, 700 थे, 700 थे, वो 700 साथी क्या हुआ? उनने कहा नहीं था, केवल ताली बजाई थी। क्या किया था? पाप के कार्य की अनुमोदना करी थी। दिन भर यहाँ कितनी अनुमोदना करते हो, कितनी अनुमोदना चलती बिना सोचे समझे, किस किस की अनुमोदना कर लेते हो हैं? उसमें उन्होंने केवल अनुमोदना करी थी, उस अनुमोदना का फल कैसे निकला? कोड़ निकल के निकला। कितने समय तक के लिए जंगलों में भटकते रहे? कितने समय तक के लिए है अपने राज्य से, अपने घर से, अपने परिवार से दूर रहना पड़ा था? तो कर्म बंद और कर्म उदय, बात समझ में आ गई? कर्म बंद और कर्म उदय समझ में आ गया। कर्म की सत्ता जो भी मैंने बताया, कर्म आया, जितने समय के लिए बांधा, जैसे जेल जाते ना लोग, 14 साल की जेल हो गई, 15 साल की हो गई, 20 साल की हो गई, आजीवन कारावास, अब उतने समय उसे जेल में रहना पड़ेगा, वहां जाके वो बैठ गया। ऐसे ही कर्म आया और आके सत्ता में पड़ा हुआ है। ये सत्व, ये तीसरी स्थिति है कर्म की। चौथी स्थिति संक्रमण। कर्म का संक्रमण भी होता है, जैसे ज्ञानावरण कर्म है, मति श्रुत अवधि मन पर्याय केवल ज्ञानावरण, तो इन कर्मों का आपस में संक्रमण होता रहता है। कैसे होता है? जैसे मोहिनी कर्म है या और भी 8 कर्म, कोई और कर्म है, जैसे यदि कोई व्यक्ति स्वर्ग में गया, अब स्वर्ग में गया तो यहां उसने क्या पाप नहीं किए होंगे? अरे बोलिए ना, किए होंगे ना। लेकिन स्वर्ग में चला गया तो उसका पाप पुण्य होके उदय में आता है, पाप संक्रमित हो गया, पाप पुण्य बन गया। जो नरक गया उसने कभी पुण्य भी तो किया होगा, लेकिन वहां जाके वो पुण्य का फल क्यों नहीं मिल रहा है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव, क्षेत्र का प्रभाव है, क्षेत्र के प्रभाव से कर्म संक्रमित हो जाता है, कोई भी कर्म बांधा हो। लेकिन यदि निमित्त मिल जाए तो वो
कर्म अभी उदय में आ सकता है, लेकिन पूरे परमाणु खेर के नहीं कर्म फल देगा, बचे रहेंगे वहां, वहां तो वो बैठा ही है, थोड़े से भेज दिए अपने। अब जैसे आपको भी भूख नहीं लगी और खुशबू आने लगे वहां से, तो खाने की इच्छा हो जाएगी नहीं हो जाएगी? है, अभी भूख नहीं लगी, खाने की याद भी नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही निमित्त मिला तो कर्म की उदीर्णा हो गई। निमित्त मिलने से कर्म की उदीर्णा हो गई, इसको कहते हैं उदीर्णा, समय से पहले उदय में आ जाना। जैसे आम है, कच्चा आम है, कच्चे आम को पाल में पका दो, यदि पेड़ में लगा रहेगा तो जब समय आएगा तब पकेगा, लेकिन यदि उसे तोड़ करके पाल में रख दिया जाए तो समय से पहले पक जाएगा। यदि ऐसा हो कि कर्म का जिस समय उदय में आना है, यदि उसी समय उदय में आए तो मोक्ष जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो मोक्ष जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन नहीं, कर्मों की उदीर्णा की स्थिति ऐसी है कि जल्दी जल्दी बुला बुला के भगा दिए जाते हैं और कर्मों से आत्मा का घर खाली कर दिया जाता है। जब कोई तपस्या करता है ना, त्याग लेता है, नियम लेता है, व्रत लेता है ना, अभी आप इतने लोग बैठे हैं, आपकी थाली में बाल नहीं आता होगा कभी कभार, बहुत मुश्किल से। पहली बात तो आप देख के ही नहीं खाते हो, हावी रहा है तो गया पेट में, पता कहाँ चल रहा है, भाई चांस फिर भी बिक गया तो अपना निकाला एक तरफ, अपने चालू हो गए, यही है ना। अभी आप नियम ले लो, यदि बाल आएगा थाली में तो मैं वो वस्तु को छोड़ दूंगा, या मैं उस दिन उस समय पर भोजन छोड़ दूंगा, भले फिर शाम को कर लूं मैं। आप नियम लेके देखो, नहीं भी आ रहे होंगे तो आने शुरू हो जाएंगे। यह तपस्या, तपस्या से कर्मों की उदीर्णा होती है। जो कर्म तुम्हारे 100 साल बाद उदय में आने थे, वो आज उदय में आके घर खाली करके चला जाता है। जितने किराएदार हैं, जितनी जल्दी जल्दी घर खाली करेंगे उतना राज्य मेरा होगा। तो तपस्या के माध्यम से कर्म के उदय को बुलाया जाता है, उसको उदीर्णा कहते हैं। आ भाई, जितने आके निकलते जाएं जाते जाओ, निकलते जाएं जाते जाओ, और जो करता ही नहीं है तो फिर उसका तो अपना चल रहा है मामला, जितने भाव तक, जितने जन्म तक चलना है चलता रहेगा। लेकिन जिन्हें इच्छा है कर्मों से अपनी आत्मा का घर खाली करवाने की, तो वे लोग फिर तपस्या करते हैं। क्या करते हैं वे? तपस्या करते, उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, संयम का पालन करते हैं, नियम लेते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा करूंगा, ऐसा होगा तो ऐसा भोजन लूंगा, आज रसी करूंगा, आज ये नहीं लूंगा, आज वो नहीं लूंगा, नियम ले लेके। और फिर एक बात और ध्यान रखना, आपने नियम ले लिया है, नियम लेने के बाद में यदि मान लो आपने मंदिर गए और रोज एक नियम लेने का मन बना लो कि रोज एक नियम लेंगे, ठीक है, और वहां मंदिर में वो रखे भी होते हैं नियम लेने वाले। अब उसमें आया आलू का पराठा नहीं खाना और घर गए, आप बताओ कल से नियम लोगे हैं? और या फिर तो दूसरी पर्ची निकालोगे, आज तो घर में आलू के पराठे बने हैं, दूसरी पर्ची निकालने, मतलब क्या रहा? जब तक परीक्षा नहीं दी आपने नियम में, तब तक आपका मतलब क्या रहा नियम लेने का? अब आपके घर में कद्दू है ही नहीं है और आज हम कद्दू नहीं खाएंगे। अरे जो चीज है उसको छोड़ा है तो उससे फिर जो निर्जरा होती है, इसको कहते हैं कर्मों की निर्जरा, सविपाक और अविपाक। एक होती कर्म समय पर उदय आना, सविपाक और अविपाक समय से पहले बुला के भगा देना, ये अविपाक निर्जरा है और वो होती है तपस्या के माध्यम से, इसको कहते हैं उदीर्णा। क्या कहते हैं इसको? उदीर्णा। एक स्थिति बनती है कर्मों की उपशम, कर्मों के 10 करण होते हैं, कर्मों के 10 करण होते हैं, उदय, सत्व, बंध, उदय, उदीर्णा, संक्रमण, निधत्ति, निकाचित, उत्कर्षण, अपकर्षण। ये 10 करण होते हैं कर्म के, 10 स्थितियां होती हैं। आपको पता ही नहीं होगा कि कर्म बदलता भी है, आपको पता ही नहीं होगा कर्म उदीर्ण समय से पहले भी आता है, आपको पता ही नहीं होगा कि उत्कर्षण और अपकर्षण भी होता है इसका। अब जैसे उपशम लें, तो इसमें आप यहां बैठे हैं,
तो ऐसे लोग भी होंगे जिनके क्रोध कर्म का उदय आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? क्रोध कर्म के उदय आ रहा होगा। लेकिन यहां पर वो आप प्रवचन सुन रहे हैं ना, तो कर्म उपशम हो गया। जैसे ग्लास में पानी रखा है और उसमें कीचड़ है, और जब ग्लास को एकदम स्थिर रख दिया जाए तो कीचड़ नीचे बैठ जाती है, कीचड़ नीचे बैठ जाती है। अब ऊपर का पानी साफ है, इसमें सबके भाव शुद्ध है, सबके विचारों में शुद्धि है। क्यों? अभी कीचड़ नीचे बैठी हुई है। ये जो कीचड़ नीचे बैठने की स्थिति है, इसका नाम है उपशम। जितना मंदिर में रहो, जितना सत्संगति में रहो, जितना अच्छे कार्य करते रहो, अपने घर में इस तरह के वातावरण निर्मित करते रहो, तो कर्म का उपशम चलता रहेगा। और यदि गड़बड़ करी तो तुरंत उदीमा में लो, क्रोध नहीं भी आना होगा तो तैयार खड़ा है अंदर में, मन कहता है क्रोध नहीं करना है, और जब आता है तो मन तो एक तरफ रखा रह जाता है और भाव उमड़ के आ जाते हैं। ऐसा ही है ना? तो उपशम, कर्मों का उपशम। आपको क्रोध आ रहा है लेकिन आपने अपने मन को शांत कर लिया, नहीं अरे क्यों फालतू दिमाग खराब करना है, अभी इतना कर्म बन ले, पहले से इतने कर्म भोग रहे हैं, अब और भोगे क्या, अरे जो हो रहा है तो ठीक है, अब मैं नहीं गुस्सा करता, नहीं मैं नहीं करूंगी गुस्सा। ऐसा कई बार आप लोग करते कि नहीं करते? आपने अपने कर्मों का उपशम अपने द्वारा अपने हिसाब से कर लिया। आपको आ तो रहा था, कई बार आप अपना घर छोड़ के पड़ोस में जाके बैठ जाते, अभी कुछ बोलेंगे तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, चलो पड़ोस में चले जाते हैं, वो भी बाजार चला जाता है, दोनों अपने कर्मों का उपशम करके वापिस आ जाते हैं, फिर वापिस शांति हो जाती है। ऐसा भी होता है कि नहीं होता है? हैं? तो ये क्या है? ये उपशम है। ये भी हम यदि जो तीव्र वेग है उसको रोकना चाहें, और यदि मानो तीव्र कर्म का उदय आ भी रहा है और हम पुरुषार्थ करें तो उपशम उसका हो जाता है। हो सकता कि नहीं हो सकता? ग्लास है, कीचड़ है पानी में, हिलाते रहोगे तो हिलता रहेगा, रख दोगे शांत हो जाएगा। ऐसे जितना ज्यादा बढ़ाओ क्रोध को उतना बढ़ता जाएगा, जितनी ईर्ष्या बढ़ानी चाहो उतनी ईर्ष्या बढ़ाओ, जितना अहंकार बढ़ाना चाहो उतना अहंकार बढ़ाओ, है जितना लोभ बढ़ाना चाहो उतना लोभ बढ़ाओ। ये तो ऐसी चीजें से आग में घी, हम कहते हैं हमारी आग तो बुझी नहीं रही है, कारण क्या है? अब डाल रहे हो घी, पानी डालो ना, डालते तो घी है और कहते हैं तो आग भड़क रही है तो बननी नहीं होती है। हम कषायों पे इतना 24 घंटे क्रोध मान माया लोभ पर इतना ईर्ष्या का द्वेष का दिन भर डालते रहते हैं और फिर कहते हैं हमें तो शांति मिलती नहीं है। अरे भगवान महावीर ने जो कहा है ना, उनके कहे अनुसार चलो तो सही, घर परिवार देश समाज सब में शांति हो जाएगी, मगर ये कषायें इंसान को शांति से नहीं बैठने देती हैं। और वो क्या नहीं बैठने देती? हम खुद करते हैं। भाई क्रोध ऐसी चीज तो है नहीं कि हम चाहे तभी तो होगा ना, हम चाहेंगे तभी तो क्रोध होगा ना, हम नहीं चाहेंगे तो। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारे यहाँ टीवी है, रिमोट है उसका? अरे बोलो ना, है रिमोट है तो तुम मतलब उसमें चैनल अपने आप खुलते हैं या जो चैनल तुम देखना चाहते हो उसकी बटन दबाते हो? जो देखना चाहते उसकी बटन दबाते तभी चैनल खुलता है। तो तुम्हारे अंदर ये क्रोध मान माया लोभ के चैनल है, इसकी बटन, इसका रिमोट तुम्हारे हाथ में है कि सामने वाले के हाथ में है? इसका रिमोट तुम्हारे हाथ में है कि सामने वाले के हाथ में है? हमारे हाथ में है, हम जब चाहे क्रोध करें जब चाहे ना करें तो हमारे हाथ में है। और सामने वाले ने दिलाया हमने ले लिया, सामने वाले ने ये किया हमने कर लिया, इसका मतलब रिमोट, तुम्हारा रिमोट तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करना है? अपना रिमोट अपने हाथ में लेना। जब सामने वाला तुम पर गुस्सा करे और आंख लाल कर करके चिल्लाए, तुम बिल्कुल शांति से उसको देखना, नहीं इस समय मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे अपना रिमोट अपने हाथ में रखना है, अभी मैं सामने वाले के हाथ में नहीं दूंगा, वो चैनल चेंज करना चाहता है मेरा, मैं नहीं करवाऊंगा, अभी मेरा शांति का चैनल चल रहा है, अभी मैं नहीं करूंगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं?
अरे बोलिए ना। वाह बड़े ज्ञानी लोग हैं, अच्छा लगा। आप तुम शार्प करेंगे, अच्छा लगा इस बात के लिए। तो रिमोट, जब टीवी का रिमोट जितने बार तुम्हारे हाथ में आए ना, उतने बार तुम विचार करना कि मेरा रिमोट मुझे अपने हाथ में लेना है। रिमोट किसी चीज को देखकर किसी चीज की याद आती है ना, तो उस रिमोट को देखकर तुम्हें अपने रिमोट की याद आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? आज से आएगी नहीं आएगी? आएगी, भूल जाओ तो। चलिए उस रिमोट के पीछे एक पर्ची चिपकाना, मुझे अपना रिमोट अपने हाथ में लेना है और उस पर टेप लगा देना, व्हाइट वाला जो पानी के कलर वाला होता है, फिर उसको कभी कभी देख लिया करो ऐसे ऐसे, तो भूलोगे नहीं। अरे अभी आपने कहा हाँ हाँ ठीक है कर लेंगे, तो फिर अब मुझे पता है अभी आप यहां से बाहर निकलते भूल जाओगे। अपना रिमोट अपने हाथ में लेना है। तो उद्विग्न उपशम, कर्मों को अपने कर्मों को अपने हिसाब से ही शांत करना है। सारी स्थितियां मेरे हाथ में है। किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है। भगवान महावीर को मोक्ष किसने भेजा? भक्तों ने। अरे बोलो ना, भगवान महावीर को मोक्ष किसने भेजा? उन्होंने स्वयं ही। अच्छा तो उन्हें केवल ज्ञान किसी ने दिलाया होगा? नहीं तो अरे कुछ तो बोलो, उनके त्याग में। अच्छा और उनकी तपस्या में। अच्छा तो इन पर तो उपसर्ग भी हुए थे, वो एक व्यंतर देव था उसने बहुत उपसर्ग किया था, तो भगवान महावीर ने उसका जवाब दिया था क्या? नहीं दिया था। इसका मतलब उनका रिमोट। सुख पाने का क्या साधन है? अपना रिमोट अपने हाथ में रखो। बाहर के कारण से अपने रिमोट के बटन को चेंज हमें जब करना है हम तब करेंगे। तो उपशम, ये उपशम से होगा। जब कर्म की मंद स्थिति में हमारे दिमाग की किरणें खुलती हैं, हमारे दिमाग में नई नई चीजें आती हैं, और जब दिमाग में मन में आत्मा में विचार संकलेशता के हो, संकल्प विकल्प के हो, तो जितने अच्छे विचार हैं वो भी उल्टे होते जाते हैं। इसीलिए उपशम की स्थिति को बनाए रखो, और जीव ज्यादा से ज्यादा उपशम की स्थिति में ही रहता है, और उपशम की स्थिति में किया हुआ पुरुषार्थ जल्दी सफल होता है। यदि अभी तीव्र उदय आ रहा होता तो तुम यहां नहीं पहुंच पाते। तुम्हारे दर्शनावरणी कर्म का तीव्र उदय होता तो आप यहां पहुंच पाते क्या? नहीं पहुंच पाते। जब यहां नहीं पहुंच पाते तो यहां बैठ के सुन पाते क्या? नहीं सुन पाते। इसका मतलब आपके कर्म का उपशम हुआ, आप यहां आए, आपने भगवान का अभिषेक किया। यदि क्रोध आ रहा होता, यदि कमरे में किसी से झगड़ा हो जाता और गुस्सा आ रहा होता तो आप अभिषेक करते क्या? नहीं करते। नहीं करना, जाओ भगा देते, नहीं जा रहे मंदिर, ऐसा हो जाता कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? आपके कर्मों के उपशम की स्थिति बनी और आपने भगवान की भक्ति करी, तो धर्म पुरुषार्थ सफल हो गया। तो ज्यादा से ज्यादा समय आपके कर्मों का उपशम ज्यादा चलता है, इसलिए पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। एक समय भी फालतू नहीं करना चाहिए। व्यर्थ बातों में क्या रखा है? अनादिकाल से बातें करी है, समय हो गया है, 30 मिनट हो गए, पता नहीं चला। यह है सुख का समय कैसे बीतता है, है ना? चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, बाकी चर्चा कल करूंगी। और सवाई माधोपुर, हाँ वहां से अध्यक्ष जी आए हुए हैं। भोजन में भात का, तत्व में सात का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का बड़ा ही महत्व है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और भगवान के दर्शन का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आपके मुस्कुराने का बड़ा ही महत्व है। जीवन में धर्म का, और महिलाओं में शर्म का, और करने में अच्छे कर्म का बड़ा ही महत्व है। भव से तरण का, त्याग के वरण का, और कर्मों के 10 करण का बड़ा ही महत्व है। अब बताओ कहाँ से आए? कहाँ? रेवाड़ी बताया था, सवाई माधोपुर रेवाड़ी। अच्छा, घूमने में गाड़ी का,
घर में लाड़ी का और आने वाले में रेवाड़ी का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वाले में सवाई माधोपुर का बड़ा ही महत्व है। जबलपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वाले में जबलपुर का बड़ा ही महत्व है। मालपुरा, अच्छा, रंगों में हरा का, जीवन में जरा का और आने वाले में मालपुरा का बड़ा ही महत्व है। दमोह, छोड़ने में मोह का, छोड़ने में मोह का और वस्तुओं की टोह का और आने वालों में दमोह का बड़ा ही महत्व है। जबलपुरी, भोपाल, स्वर्ग में परी का, छोड़ने में हरी का और आने वालों में जगतपुरी का। जगनपुरी, जनकपुरी, अच्छा, और आने वाले में जनकपुरी का बड़ा ही महत्व है। जयपुर, अच्छा, जितने पुर वाले वो एक साथ आ जाओ। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वाले में जयपुर का सिमरिया, अच्छा, बड़ा ही महत्व है। भोजन में दाल का, पूछने में हाल का और आने वालों में भोपाल का बड़ा ही महत्व है। सिमरिया, वस्तुओं में बढ़िया का, जातियों में बनिया का और आने वालों में सिमरिया का बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का और आने वालों में प्रतापगढ़ का बड़ा ही महत्व है। दिल्ली, त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का सरधना, साता, चंदलाई, बाल कटाने में नाई का, बैठने में चटाई का और आने वाले में चंदलाई का सावर, दवाइयों में डावर का और आने वालों में सावर का। छिंदवाड़ा, महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में छिंदवाड़ा का। सेगांव, सेंगांव, अच्छा, मनुष्यों के प्रभाव का, सुधारने में भाव का और आने वालों में सेंगांव का। कानीवाड़ा, नागपुर, सीहोर, सिहोरा, अच्छा, गांव में दरा का, भोजन में दरा का और आने वालों में सहुरा का। नागपुर, गाने में सुर का, रिश्तों में ससुर का और आने वालों में नागपुर का, अच्छा, रोहतक वाले भी बैठे, हरियाणा वाले, अच्छा अच्छा। लिखने में खत का, मकान की छत का और आने वालों में रोहतक का राजा खेड़ा, मैं पता था कोई ना कोई बचा है अभी। भोजन में बड़ा का, गर्मी में घड़ा का और आने वालों में राजा खेड़ा का। अपना मन बिल्कुल साफ हो जाता है। आपने जो भव्य मंदिर का निर्माण किया है वाकई में एक बहुत ही सराहनीय है और आपका आशीर्वाद से मैं आपके सामने ज्यादा क्या बोलूं। मैं ये कह सकता हूं कि यहां आने से आदमी की धार्मिक भावना बढ़ती है और वो पुण्य करता है, ये सी मेरी भावना है। विराजमान मुनि सुव्रत नाथ भगवान की जय हो। यहाँ हम पहली बार आए हैं जहाजपुर के मंदिर में। पहले जब मंदिर में, बड़े मंदिर में जहाज नुमा आकार में जो मंदिर बना है उससे पहले हमने दर्शन किए थे, तब भी बहुत मैं शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकती जो हमें अनुभूति हुई थी। और तब भगवान से यही प्रार्थना थी कि हमें बुलाते रहें और बहुत समय बाद, कम से कम 3 या 4 साल बाद हमें फिर ये मौका मिला है कि हमें माता जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और मैं चाहती हूँ कि बार बार हमें बाबा के दर्शन का मौका मिलता रहे और माता जी का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। जय जिनेंद्र। लेकिन जहाज मंदिर बनने के बाद पहली बार ये सौभाग्य प्राप्त हुआ और शांति धारा करने का मौका भी प्राप्त हुआ। भगवान की प्रथम शांति धारा का मतलब सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सब माता जी के आशीर्वाद से ही हमें प्राप्त हुआ है। अब ऐसी इच्छा है कि साल में 2-4 बार माता जी के दर्शन करने जरूर आए और आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। वंदा मी माता जी, वंदा मी माता जी, वंदा मी।
दर्शन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप, आओ आज आरती भगवन की, आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9212515167 9784853787।